हेलो गाइस, स्वागत है आपका माय लव स्टोरी विद यामाडा कुन सीजन 2 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में यामाडा इगुची का घर शिफ्ट करवा रहा था और आज भी वो घर शिफ्ट कराने गया हुआ था और सासुकी सकाई का डॉग पिक करने वहां आती है। वो डॉग का फूड और लीज लेने अंदर जाती है। वहां यामाडा बॉक्सेस पे टेप लगाकर पैक कर रहा था। वो पूछता है, तुम भी हेल्प कराने आई हो? सासुकी कहती है, नहीं, मैं बस डॉग को पिक करने आई हूँ। वो पूछती है, डॉग का सामान कहाँ है? यामाडा ने सब पैक कर दिया था। तो दोनों मिलकर ढूंढने लगते हैं और सासुकी कहती है, मुझे पता चला तुमने बारबेक्यू आने के लिए मना कर दिया। वो कहती है, तुम्हें आना चाहिए, मजा आएगा और तुम नए लोगों से भी मिल पाओगे। वो कहती है, क्या तुमने अपने जीएफ की वजह से मना किया? मुझे इगुची ने बताया, अगर ऐसी बात है तो ये सही नहीं है। वो बताती है, उसका भी एक बॉयफ्रेंड था, वो हमेशा एक लड़के से मिलने के लिए उसे मना करता रहता था, पर वो दोनों सेम लैब में थे तो मिलना हो ही जाता था, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पर वो नहीं समझा और इसीलिए सासुकी ने ब्रेकअप कर लिया था और यामाडा को डॉग के लीज मिल गए थे, बस फूड ढूंढना बचा था। सासुकी कहती है, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है और तुम्हारा फेस भी लाल हो रहा है। यामाडा उठ रहा था पर वो जमीन पे गिर जाता है। सासुकी उसका टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, तुम्हें फीवर है। वो कहती है, इगुची आ रहा है, वो तुम्हें ट्रक से घर छोड़ देगा। यामाडा कहता है, थैंक्स, पर मैं ठीक हूँ। सासुकी कहती है, जब तक साकाई पपी को लेकर नहीं आता मैं यही हूँ। फिर रूम में सन्नाटा छा जाता है। सासुकी को ऑकवर्ड लग रहा था। वो कहती है, मैं देख कर आती हूँ वो सब कहाँ है, पर बारिश होने लगती है तो वो नहीं जा पाती। फिर वो यामाडा को कहती है, अपनी फैमिली या अकाने को बता दो कि मैं तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ। यामाडा कहते, तुम चिंता मत करो। सासुकी कहती है, पर मैं नहीं चाहती वो लास्ट टाइम की तरह जेलेस हो। फिर वो कहती है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। यामाडा कहता है, तुमने जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करी वो मैं अकाने के बोलने से नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, उसकी स्माइली मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले सीन में मोमो ने अकाने को कॉल किया था और बताया था कि उसकी किसी फ्रेंड से उसे पता चला यामाडा की तबीयत ठीक नहीं है और अकाने फटाफट होम टाउन से वापस आ जाती है। वो बारिश में भीगते हुए मोमो ने जो लोकेशन बताई थी वहाँ जाती है और बिल्डिंग को ढूंढने लगती है जिसमें यामाडा है, पर उसे नहीं मिलती और इसीलिए वो फिर दोबारा मोमो को कॉल करती है और वहीं पे साकाई भी था। और अगले सीन में अकाने गेट पे थी और सासुकी ने गेट ओपन किया था। वो क्लियर कर देती है कि वो यामाडा के साथ अकेली नहीं थी, वो बस किसी तरह यहाँ फंस गए हैं और जब तुमने कॉल किया था तो वो सो रहा था। अकाने कहती है, मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए थैंक्स। सासुकी कहती है, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, शायद इगुची ने किया होगा, वो बहुत सारे लोगों को जानता है। फिर अकाने बताती है, उसे बाहर सकाई मिला, उसने ही उसे अम्ब्रेला दिया और यहाँ का रास्ता बताया। सासुकी कहती है, तुम तो पूरी भीगी हुई हो, कपड़े भी गंदे हो गए हैं, चेंज कर लो। अकाने कहती है, यामाडा के पेरेंट्स विदेश में रहते हैं इसीलिए मैं उसके पास रहना चाहती हूँ इन केस उसे कुछ हो ना जाए, और क्योंकि मैं उसके पास नहीं थी इसीलिए मैं परेशान हो गई थी, पर मैं खुश हूँ कि वो अकेला नहीं था, उसकी फ्रेंड उसके साथ थी। वो उसे थैंक्स कहती है और फिर यामाडा के पास जाती है। वो उसे उठाती है और कहती है, मैं आ गई, और उसे अपने लैप्स पे सुलाती है और सासुकी उन्हें अकेला छोड़ के रूम से बाहर आ जाती है। अगले सीन में इगुची यामाडा को घर छोड़ने जा रहा था पर वो अकाने को साथ नहीं ले जा पाया क्योंकि ट्रक में दो ही लोगों की जगह थी। फिर अकाने सासुकी से सॉरी कहती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने अच्छे से बिहेव नहीं किया था। सासुकी कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जब वहां से सकाई जाता है तो वो कहती है, तुम मुझे लाइक नहीं करती ना? अकाने कहती है, सही कहा। वो बताती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी ऐसी लड़की के साथ नहीं देख पाती जिसे मैं नहीं जानती। सासुकी कहती है, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, फिर मैं ऐसी लड़की नहीं रहूंगी जिसे तुम नहीं जानती। वो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब सकाई और सासुकी अकेले थे। सकाई बता रहा था किस बॉक्स में डॉग का फूड है और किस में बेडशीट, और सासुकी कहती है, प्यार ग्रेट होता है, मैं उस फीलिंग को भूल गई थी पर आज मुझे याद आ गया। दूसरी तरफ यामाडा और अकाने घर आ चुके थे और अकाने किचन में सफाई करते हुए सोच रही थी, मैंने उसे गेम में इतना बिजी रखा कि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए वो बीमार हो गया, वो हमेशा मेरे लिए खुद को फोर्स करता रहता है। वो उसके पास जाती है और उसका फीवर चेक करती है और यामाडा कहता है, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अकाने कहती है, सॉरी, वो मैं किचन में काम कर रही थी ना इसीलिए। यामाडा पूछता है, तुम ठीक हो ना? अकाने कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है, तुम्हारे सीनियर अच्छे हैं पर मैं जेलिस हो गई थी और प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। यामाडा हंसता है और कहता है, तुमसे मुझे परेशानी नहीं होती। अकाने कहती है, तुम्हें खुद को फोर्स करके वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है, तुम बहुत काइंड हो, जब मैं डिप्रेस होती हूँ तो तुम मेरे बारे में सोचते हो, मैं इसी से खुश हो जाती हूँ, पर ये नॉर्मल है, कभी कभी ऐसे दिन आते रहते हैं। यामाडा उसे हक कर लेता है। अकाने को उसकी बॉडी गर्म लगती है, वो समझ जाती है इसे फीवर है। फिर वो कहती है, तुम्हारा लव बहुत स्ट्रांग है। यामाडा कहता है, हाँ मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ, और वो मन में कहता है, दूसरी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती और मैं कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं बता भी दूँ
तो भी उसे बुरा ही लगेगा, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो कहता है तुमसे आज अलग खुशबू आ रही है। अकाने कहती है हाँ, क्योंकि मैंने आज दूसरा परफ्यूम यूज किया है। यामाडा कहता है मुझे लगा था तुमने एक ही खरीदा था। अकाने कहती है मुझे लगा अगर तुम्हें एक की स्मेल पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरा यूज कर लूंगी, इसीलिए मैंने दो खरीदे थे। यामाडा मन में कहता है मुझे पहले वाली सेंट की स्मेल से घुटन हो रही थी। उसके लिए रोमांटिक मूवीज को फील करना, लाइन में फूड के लिए खड़ा होना सब डिफिकल्ट था। वो हमेशा सोचता था किसी के साथ पूरा दिन बिताना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि प्यार भी उसे वेस्ट ऑफ टाइम लगता था। तभी अकाने कहती है आई लव यू टू। यामाडा कहता है मुझे पता है, और दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अगले सुबह अकाने की मोम उसे कॉल करती है। वो बताती है अंकल कियोमिची ने उन्हें फ्रेश सब्जियां दी है, वो अकाने को भी भेजना चाहती थी। अकाने बात करते हुए यामाडा की तरफ देखती है और मन में उसे क्यूट कहती है। मॉम पूछती है तुम कब आओगी, तभी यामाडा को छींक आती है। मॉम कहती है क्या मैंने किसी लड़के की आवाज़ सुनी। तभी सीन शिफ्ट होता है, अकाने सासुकी और इगुची शॉप पे सकाई के लिए गिफ्ट लेने गए थे और अकाने सासुकी को ये सारी बातें बता रही थी। सासुकी पूछती है तुम्हारी मॉम स्ट्रिक्ट है क्या। अकाने कहती है नहीं, उन्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और वो खुश भी है, पर अपने बॉयफ्रेंड के घर पे रात बिताना ये बताना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। अब अकाने बिल पे कर रही थी और इगुची सासुकी के साथ बात कर रहा था कि उसे बिलीव नहीं होता कि यामाडा की गर्लफ्रेंड है। सासुकी कहती है वो हैंडसम है, फिर भी बिलीव नहीं होता। इगुची कहता है तुम उसके साथ हाई स्कूल में नहीं थी इसीलिए तुम नहीं समझ पाओगी। वो बताता है यामाडा हाई स्कूल से ही प्रो गेमर है। सासुकी कहती है ऑसम। इगुची कहता है इसीलिए उससे क्रेजी गेमर वाली वाइब आती है। वो कहता है पता नहीं उन्होंने अभी तक कुछ सेक्सी चीजें करी होगी या नहीं। सासुकी कहती है अकाने के सामने ऐसी बातें मत करना। इगुची कहता है तुम यामाडा में इंटरेस्टेड थी ना। सासुकी कहती है जब मुझे पता चला वो किसी का बॉयफ्रेंड है तभी मेरे लिए ऑफ लिमिट हो गया था, मैं किसी के अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती। अब सब खाना खाते हैं और सासुकी बताती है उसका एक्स बहुत रोक टोक करने वाला था जिस वजह से उनकी फाइट होती रहती थी और फिर सासुकी ने ब्रेकअप कर लिया। फिर उसके एक्स ने गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया पे उसकी बुराई करते हुए उनकी एक फोटो पोस्ट कर दी। सासुकी कहती है मैंने सोचा वो बदला ले रहा है क्योंकि मैंने ब्रेकअप किया था इसीलिए मैंने इग्नोर करने का ट्राई किया, पर जब भी वो पोस्ट सामने आती थी मुझे गुस्सा आ जाता था। जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों सहूं, और फिर मुझे लगने लगा कहीं मेरी ही गलती तो नहीं थी। मुझे अभी भी लगता है मैं गलत तो नहीं थी पर मैं और काइंड हो सकती थी। अकाने और इगुची दोनों गुस्सा करते हुए कहते हैं इस मैटर में वो गलत है। सासुकी कहती है जब मैं तुम्हें और यामाडा को साथ देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं सेल्फिश हो रही थी। दोनों कहते हैं नहीं, चाहे किसी ने भी ब्रेकअप किया हो इस तरह सोशल मीडिया पे डिस करना बहुत बेकार है। अकाने कहती है सही कहा, उसे तो डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ मोमो और यूई डबल डेट पे गए थे, उन्होंने पिज्जा ऑर्डर किया था और मोमो के साथ वाला लड़का अपनी एक्स के बारे में बुरी बातें कर रहा था और वो मोमो को एक फोटो भी दिखाना चाहता था। मोमो मना कर रही थी और फिर वो जानबूझकर फोन पे पिज्जा का स्लाइस गिरा देती है। लड़का कहता है ये मेरा न्यू फोन था। वो कहता है तुमने ये जानबूझकर किया। मोमो कहती है ये डेट बहुत बुरी है, काश मैं यहाँ आई नहीं होती। लड़का कहता है मैं भी यही कहना चाहता था। मोमो कहती है तुम्हें अपने एक्स के बारे में बैड माउथ नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। वो यूई को भी चलने को कहती है। यूई पिज्जा एंजॉय कर रही थी, वो कहती है मैं पिज्जा ले जाऊं। उसके साथ वाला लड़का सर हिलाकर हाँ कहता है। अब घर जाते हुए यूई कहती है मैं समझ गई तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है, क्योंकि तुम बहुत इंपल्सिव और पैशनेट हो। मोमो कहती है मैं उस इंसान को कभी पसंद नहीं कर सकती जो अपने एक्स के बारे में बैड माउथ करे। यूई भी एग्री करती है। वो कहती है मेरा भी पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप था, रैन मुझसे हार्शली बातें करता था। मोमो कहती है चलो कन्वीनियंस स्टोर पे हासेगावा के पास चलते हैं और मैं उसे बताऊंगी तुम ग्रुप डेट पे गई थी। यूई कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे बताना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, तो वो बताने से मना कर देती है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।